नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधीर रंजन के राष्ट्रपति को लेकर विवादित बयान पर बीजेपी का बवाल, नागपुर के संविधान चौक पर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। नागपुर में खापरखेड़ा पावर स्टेशन के बिजली घरों से निकलने वाली फ्लाई ऐश का कृषि पर हो रहा दुष्प्रभाव, किसानों की सरकार से उचित कार्रवाई की मांग। और नागपुर में कुछ लोगों ने मामूली कहासुनी में युवक पर किया हमला, युवक को चाकू से गोंदा, युवक की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया। इसके निषेध में भाजपा की ओर से संविधान चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमानजनक बयान किया है। जगह जगह पर भाजपा की ओर से इसका निषेध व्यक्त किया जा रहा है। अधीर रंजन के इस बयान से सांसद में भारी हंगामा हुआ था। बीजेपी इस मामले को लेकर पूरे कांग्रेस पर हमलावर है। इसके निषेध के चलते नागपुर के संविधान चौक में भाजपा की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बीकेबी न्यूज ने डेंटल डॉक्टर दीप किशन बिसेन से संपर्क कर डेंटल समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस वक्त डॉक्टर ने डेंटल समस्याओं और मुख बीमारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि धूम्रपान व अल्कोहल के सेवन से मुख कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बिसेन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रॉपर डेंटल हाइजीन मेंटेन न करने से पायरिया व सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है। दांतों के प्रति अवेयरनेस रखते हुए फोर्थ स्टेज को टाल सकते हैं। दांतों की सड़न को ध्यान रखते हुए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। दांत और मसूड़े के जंक्शन को टार्टर कहा जाता है। दांतों की मोबिलिटी, मसूड़े से खून आना या झंझनाहट होना ये लक्षण है। मसूड़ों की बीमारी पायरिया और दांतों का बोन लॉस से इन्फेक्शन बढ़ता है। दांतों की नर्व एंडिंग ओपन होने से सेंसिटिविटी की समस्याएं आती है। डायबिटीज से डेंटल इन्फेक्शन का इफेक्ट्स हार्ट व किडनी पर भी होता है। एडवांस डेंटल क्लिनिक में मॉडर्न इक्विपमेंट व फैसिलिटीज उपलब्ध है। इम्प्लांट सबसे सुरक्षित व लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। दांतों से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट वन रूफ और ऑनलाइन व वीडियो कंसल्टेशन भी होता है। ये जानकारी उन्होंने इस मुलाकात में दी। देखिए, डेंटल क्लिनिक में दांत और मुंह से संबंधित सारे पेशेंट्स आते हैं। जैसे आपका सवाल था कि लो जो इम्यूनिटी वाले हो गए या शुगर वाले हो गए, तो लो इम्यूनिटी और शुगर पेशेंट में या ऐसे पेशेंट्स में मुंह से संबंधित जो आजार है, जो रोग है, वो होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनमें इन्फेक्शंस हमेशा बाकी पेशेंट के संभावना में ज़्यादा होते हैं। ये भी आप बताइए कि जिन्हें रोग का कैंसर है तो उसका किस तरह से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं उस बारे में? देखिए, सबसे पहले जैसे कोई भी पेशेंट आता है किसी को, जैसे नॉर्मली अपने क्षेत्र में जो सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र है, यहाँ मुंह के कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कारण है गुटखा और सुपारी का सेवन। तो हम लोग गुटखा सुपारी सेवन वाले पेशेंट में हमेशा, पेशेंट ना भी बताए तो भी एक बार देखते हैं कि कहीं कुछ साइंस तो नहीं है कि कैंसर की शुरुआत हो गई है। जैसे मुंह बंद होना, कैंसर होता नहीं है बट उसकी पूर्व वो सूचनाएं होती है कि भी हो सकता है आगे, मुंह में तीखा लगना, ये सारी चीज़ें, मुंह बंद होना, ठीक है, और कुछ किसी को छाले जो बहुत दिनों तक के, महीनों तक के ठीक नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं पेशेंट में। और अभी के इसमें जो सुपारी गुटखा इसका प्रमाण इतना ज़्यादा है कि पेशेंट्स हर एक एक नया नया कैंसर का पेशेंट आता है, तो क्लिनिकल लेवल पे हम लोग सिर्फ उसका निदान करते हैं और उसको फिर बड़े सेंटर्स में उसके उपचार के लिए भेजा जाता है। देखिए, सबसे पहला कारण, मुँह में कोई बीमारी होती नहीं है अगर हम प्रॉपर ध्यान ना दें, नेग्लिजेंस जो आपने बोला, तो कुछ नहीं करना है, बस दांत साफ करने। मगर क्या होता है, ब्रश तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रश नहीं कर रहे, फिर भी दांतों में सड़न हो रही। सड़न होने का पहला कारण है कि दांतों में खाना चिपकना। आजकल खाने का जो ये है, पहले का खान पान और अभी के खान पान में बहुत बदलाव हो गया। अभी सॉफ्ट प्रोसेस्ड फूड
या फिर पहले के जितना फाइब्रस फूड नहीं होता तो खाना चिपकता है दांतों में, क्लीनिंग उतनी तरीके से नहीं होती। और दूसरा क्या हो गया कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अभी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है तो लोग आ रहे हैं डेंटिस्ट के पास। हर पेशेंट में, अगर मैं बोलूँ तो हर मुझ में भी कुछ ना कुछ एक ना एक डेंटल ओरल प्रॉब्लम है ब्रशिंग करने के बावजूद भी। तो उसमें एक ही है कि आपके पास नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके कुछ नहीं तो निदान कराए कि भी कुछ शुरुआत तो नहीं हुई है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। शुरुआती दौर में हम उसको रोक लेंगे तो बड़ी बीमारी होने से हम उसको बचा पाएंगे। फिर जैसे शुरुआत में है तो सीमेंट डाल दिए, फिलिंग कर लिए, तो दर्द आते नहीं के पहले ही ठीक की। लोग दर्द होने पे आते हैं फिर रूट कैनाल क्या, फिर बोला जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है या तकलीफ दे है, ये नहीं हो तो होगा। इसलिए हमको प्रिवेंशन करना है होने से पहले ही, और होने पे तो फिर ट्रीटमेंट करने के लिए डेंटिस्ट है। देखिए जैसे आपने बोली कि दो टाइम ब्रश करना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए कई लोगों को नहीं होता, फुर्सत समय नहीं मिलता काम, इसमें से एक टाइम का भी ब्रश उतना जरूरी है। मगर कुछ 6-6 महीने के गैप में आप आपके डेंटिस्ट को दिखाइए, ताकि कुछ कचरा ऐसा होता है जिसको कैलकुलस बोलते सादी भाषा में, टार्टर बोलेंगे हम लोग, वो दांतों पे चिपक जाता है सीमेंट की तरह, मिट्टी पक्की जम जाती है, तो वो हमारे ब्रश से नहीं निकलती। फिर मैं खुद डेंटिस्ट हो या दूसरा पेशेंट हो, हमको भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को भी करनी पड़ेगी। तो वो सर्विसिंग बोलेंगे कि मुंह की सर्विसिंग 6-6 महीने में करें तो बीमारी होने से। मसूड़ों में क्या होता है कि दांत और मसूड़ों के बीच में कचरा जमने से मसूड़े नाजुक होते, शुरुआत में खून ही आता है मगर दर्द नहीं होता तो पेशेंट ध्यान नहीं देते। फिर पस मतलब पायरिया होने पर पेशेंट हमारे पास आते जब पानी सर के ऊपर चला जाता, तो फिर बाद में दांत निकालना पड़ता है या फिर बड़ी सर्जरी करके दांत बचाना पड़ता है मसूड़ों। देखिए सेंसिटिविटी के अलग अलग कारण हैं, दांत की जो रचना है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ, दांत मसूड़ों से और हड्डी से घिरा हुआ है, ठीक है, दांत मसूड़ों में। तो सेंसिटिविटी कारण एक हो सकता है कि आपको सड़न हुई हो और दांत की जो दूसरी परत है इनामल के नीचे की डेंटिन, उस डेंटिन तक की अगर सड़न पहुंची है तो आपको सेंसिटिविटी होगी। दूसरा मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, तो जड़ों तक के अगर पानी या खाना या कुछ पहुंच रहा है हवा, तो वो सेंसिटिविटी। तो हम पेशेंट को चेक करते हैं कि सेंसिटिविटी की वजह क्या है, डायग्नोसिस करते हैं, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सड़न है ऊपरी लेवल पे है तो उसमें रेस्टोरेशन मतलब फीलिंग करेंगे सादी भाषा में। मसूड़ों का कुछ जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और उस हिसाब से सेंसिटिविटी टूथपेस्ट बोलो या ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया जा सकता है। देखिए दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसे इनामल कहते हैं, जो बहुत मजबूत है, मतलब शरीर की सबसे टफ हड्डी है, वो एक विशेष हड्डी है। तो जो मंजन बोलो या गुड़ाकू नस, जो अपने क्षेत्र में जिसका इस्तेमाल होता है, तो एक तो नस गुड़ाकू में तंबाकू से बनती है, तो सबसे पहले हानिकारक है, वो भी कैंसर के लिए कारणीभूत हो सकता है। और दांत को जो घिसते हैं मंजन करते वक्त, उससे दांतों की परत आहिस्ता 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 पतली होती है और सेंसिटिविटी, और आगे चल के फिर दांतों की नसें खुल जाती है। तो मंजन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, और उंगली से ना करें, क्योंकि ब्रश और पेस्ट जो अभी जो आते हैं, ये उनका जो जी दांत को घिसने का या पतला कर वो नहीं करते। सही तरीके से ब्रशिंग करें तो हमारे दांत नहीं घिसेंगे। गलत तरीके से ब्रश करना या मंजन करना, ये हमारे दांतों को घिसने का कारण है। मैं एक मॉडल के तहत बताऊंगा आपको। पहले जो ब्रिज जो होता था, मतलब दांत जहाँ नहीं है उसके अगल बगल वाले दांत का सपोर्ट लिया जाता था, आज भी होता है बहुत आयत में, पेशेंट यही करते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो जो लो इकोनॉमिकल स्टेटस के पेशेंट्स है, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, वो आज भी ब्रिज या डालने निकालने वाले दांत लगाते। अभी नई नई टेक्निक्स आई है जिसके, अभी जो आपने बोले इम्प्लांट, तो इम्प्लांट में होता है जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि हड्डी में स्क्रू जाता है, टेक्नोलॉजी है आज के तारीख में, सुरक्षित है, बस थोड़ी महंगी है। मगर बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो महंगी नहीं पड़ती शरीर के लिए। तो हड्डी में स्क्रू डाल के उसके ऊपर दांत लगाया जाता है जहाँ दांत नहीं होता, और ब्रिज में जहाँ दांत नहीं उसके आगे पीछे के दांतों का सपोर्ट लेके हम कैप लगाते हैं, और इम्प्लांट में स्क्रू डाल के उसके ऊपर कैप लगाते हैं या नकली दांत लगाते हैं। तो इम्प्लांट आज की तारीख में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जहां आपको अगर दांत नहीं है और कोई भी पर्याय नहीं बचा है तो इम्प्लांट ले जाइए, अगर आप सक्षम हैं तो। अब कुछ लोगों में थोड़े से पीले होते तो ब्लीचिंग मतलब वाइट करना दांत को, तो कुछ हम लोग केमिकल से जो भी होता है उसे यूज करके थोड़ी ब्लीचिंग होती है जिससे दांतों में थोड़ा सा एक शेड वाइटनेस आता है। ये हो गया ब्लीचिंग का। विनियर्स मतलब जैसे दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं, तो विनियर्स मतलब एक क्या बोलेंगे लेयर लगता है कि अधिक सुंदर, एस्थेटिक्स बोलते हैं हम लोग जिसे, कि आपकी सुंदरता को और ज़्यादा निखारने का काम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में होता है। इसके बहुत सारी चीज़ें, विनियर्स है, लैमिनेट्स है, स्माइल डिजाइनिंग है, आड़े टेढ़े दांतों को ऑर्थो ट्रीटमेंट करके सीधे करना, बहुत सारे पर्याय है।
यहाँ जैसे अभी क्लिनिक का नाम है कि डॉक्टर बिसेंस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल केयर, मतलब एक जनरल फैमिली डेंटिस्ट्री कंप्लीट, मतलब छोटे बच्चे से लेके वयस्क पेशेंट तक के, मतलब बच्चों के दंत डेंटल प्रॉब्लम हो या बूढ़े पेशेंट में जिनके दांत नहीं है दांत लगा सकते हैं, या जो रेगुलर रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, इम्प्लांट्स, नकली दांत हो या असली दांत को बचाना हो, मसूड़ों से संबंधित ट्रीटमेंट हो, दांतों से संबंधित जितनी भी, या ओरल सर्जरीज हो जिनके जबड़े के फ्रैक्चर्स हो, ट्रामा हो, क्लिनिकल लेवल पे जितना ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इवन कैंसर का निदान बायोप्सी करते तक के ताकि उन्हें बड़े सेंटर्स में रेफर किया जाए, सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ, जहाँ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट की जरूरत होती है हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। प्रोस्टोडोंटिस्ट हो, एंडोडोंटिस्ट हो, स्पेशल केसेस के लिए ओरल सर्जन हो, मसूड़ों के पीरियोडोंटिस्ट, बच्चों के पीरियोडोंटिस्ट बोला जाता है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, सब यहाँ पे हमारे इस पर अवेलेबल है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जो सरल होता है उसके तरफ जाते हैं तो वो तकलीफ देता है, जैसे एक्सरसाइज करना के शरीर को ठीक रखना, वैसे मुंह को भी है कि हमको सही सही खाना खाना है, सही समय पे खाना खाना है, तो मुंह के लिए नहीं तो सारे शरीर के लिए ही अच्छा है, तो हमको सही प्रमाण में खाना है, सही खाना खाना है, जैसे स्टिकी फूड हो गया, किसी भी टाइम बेवजह नहीं खाना है। एक और वजह होती है एसिडिटी जो हमारे दांतों को ख़राब करती है, तो वो खान पान से ही होती है, तो हमको सही हाइजीन रखना है। और एक कुछ नहीं तो 6-6 महीने में ही, अगर आपको तकलीफ नहीं भी है फिर भी 6 महीने में, साल में एक बार डेंटिस्ट से मुलाकात कीजिए, उन्हें दिखाइए कि कहीं कुछ तकलीफ शुरुआती दौर में होगी तो जिसे वो ठीक कर सके तक। या अगर आपको तकलीफ है, हम कई पेशेंट देखते हैं कि बहुत दर्द होने पे आते हैं, तो वैसा मत कीजिए, शुरुआती दौर में ही आपके दांतों में खाना पस रहा है तभी आ जाइए, तो वो आपके लिए आर्थिक मानसिक सभी रूप से अच्छा रहेगा। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। आज वर्धा में ऊर्जा महोत्सव का बड़े उत्साह के साथ शुभारंभ किया गया। राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज के भजन से ऊर्जा महोत्सव की शुरुआत हुई। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत पावर 2047 का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से देश के सभी जिलों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्धा में विशेष अभियान के तहत सेवाग्राम स्थित यात्री निवास हॉल में महावितरण की ओर से ऊर्जा उत्सव का आयोजन किया गया। इस ऊर्जा उत्सव का उद्घाटन विधायक रंजित कामले ने किया। इस अवसर पर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अर्चना मोरे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महावितरण क्षेत्रीय निदेशक सुहास रंगारी और नागपुर मंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से भजन के साथ उत्सव की शुरुआत हुई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। नागपुर डिवीजन से सीए, अपने जिले से एससी, सर्व उपस्थित एमएससी के कर्मचारी और अधिकारी, उपस्थित सर्व सरपंच सरपंचा, उपस्थित सर्व मान्यवर बंधु और भगिनी, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, अपन 15 ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण देशभर मध्ये अपन 70वा अमृत महोत्सव से साजरा करना या कल्पना आपने देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक असं कल्पना होती कि दर 25 वर्ष मध्ये आपण आपल्या देशामध्ये यांचे साजरा करणार, आता ही तीसरी वेळ आपली चालू आहे। हे कार्यक्रम ऑगस्ट 15 पर्यंत 25 पर्यंत ते चालणार, 23 पर्यंत ते साजरा करणार। ते फक्त एमएससीबीचा विषय नाही आहे, देशामध्ये जिकडे जिकडे विकास झालेला आहे, ज्या ज्या गोष्टीमध्ये आपला देश पुढे गेलेला आहे त्यांचं आपण साजरा करण्याचं अपेक्षित आहे, आपल्या देशाला शोकेस करणं अपेक्षित आहे, जगात आपला देश किती पुढे गेलेला आहे हे दिसलं पाहिजे, लोकांना माहीत राहिलं पाहिजे, त्या दृष्टीने हे कार्यक्रम आपण कार्यक्रमचं साजरा करत आहे। आपल्या देशामध्ये हरित क्रांती झालं, आपल्याकडे दूध दही होतं, दूधचं आपण स्वयंपूर्ण झालं, श्वेत क्रांती झालं, आपले रक्षा प्रणालीमध्ये आपण सक्षम झालेलो आहोत, शिक्षणाचा दर्जा वाढलेला आहे, आरोग्याचा दर्जा फार मोठ्या प्रमाणावर वाढला, आणि त्याच्यासोबत निश्चितपणे वीज आणि वीज निर्मितीमध्ये पण आपण लय पुढे गेलेलो। 2-3 गोष्टी आपण निदर्शनात आणू इच्छितो,
की स्वातंत्र्य जेव्हा आपल्याला घेतलेलं होतं तर आपल्या देशाचे GDP हे 2.7 लाख कोटी होते आणि आज आपलं जवळपास 135 लाख कोटी झाले. त्याचप्रमाणे जे आपलं फूड प्रोडक्शन होतं 2050-2060 मध्ये आपल्याला विदेश पासून पेट येण्याची वेळ आली तेव्हा आपल्याकडे जवळपास 55 मिलियन मेट्रिक टन इतकं आपलं उत्पादन होतं. आज जवळपास आपण 305-310 मिलियन. पिछले हफ्ते नागपूर के पास खापरखेड़ा पावर स्टेशन से एक राख का तालाब फूट गया जिससे लाखों टन राख पानी खेत में घुस गया था. इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और विशेषज्ञों को डर है कि इससे हजारों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी. इसलिए सरकार से इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और दोषियों को दंडित करने और किसानों की मदद करने की मांग की जा रही है. राख में मौजूद छोटे कण मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का उपयोग शून्य हो जाता है. महावितरण के ध्यान न देने की वजह से किसानों पर यह स्थिति आ गई है कि कोराडी खापरखेड़ा कामठी क्षेत्र की खड़ी फसल बह गई है. किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है. कृषि विभाग ने प्रभावित मिट्टी के नमूने एकत्र कर जांच के लिए निरी जैसे संस्थानों को भेज दिया है. उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी. अगर किसानों के हाथ की फसल चली जाती है और जमीन बंजर हो जाती है तो भविष्य में खेती कैसे की जाए ये सवाल भी किसानों के सामने होगा. इसलिए सरकार से इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और दोषियों को दंडित करने और किसानों की मदद करने की मांग की जा रही है. राखेचा सुद्धा एक बंधारा फुटून आपल्या शेतामध्ये राख जाणे किंवा राख मिश्रित पाणी जाणे शेतामध्ये राखेची थर पसरणे अशा प्रकारची घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे कामठी तालुक्यामध्ये. याबाबतीत आमच्या तालुक्याचे अधिकारी त्याच्यानंतर विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची टीम आम्ही त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर पाठवलेली आहे. आता जिथे थर साचलेला आहे ते जमीन वाढल्यानंतर जर 2 ते 3 इंचाचा थर आहे तर तो आपल्याला काढून टाकावा लागेल. दुसरं जिथं वाळू आपलं पाणी मिश्रित राख ते गेलेली आहे आणि त्या पाण्याचा नेमका काय त्या जमिनीवर परिणाम झाला याच्यासाठी त्या मातीचे नमुने आम्ही काढलेले आहे आणि लॅबोरेटरीला पाठवलेले आहे. परंतु फक्त त्या टेक्स्चरवर किंवा त्यामध्ये असणारे NPK जे घटक आहे किंवा मातीमध्ये जे असतात पिकांच्या दृष्टीनं तेवढ्यावरच न थांबता त्याच्यामध्ये काही रासायनिक गुणधर्मामध्ये बदल झाला आहे का किंवा धातू मिश्रित काही त्या मातीमध्ये आहे का याच्यासाठीसुद्धा आम्ही सॅम्पल काढलेले आहे आणि ते निरी किंवा इतर ज्या दुसऱ्या प्रयोगशाळा आहे तिथे पाठवून त्याच्यामध्ये काय नेमके निष्कर्ष येतात त्यावर आपल्याला पुढची उपाययोजना करता येईल. याचे पंचनामे करण्याचं काम सुरू आहे. हे जे आपले नियमित नुकसान झालेलं आहे त्याच्यासोबतच याचे सुद्धा पंचनाम्याचं काम सुरू आहे. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy 365 Gandhinagar LAD College Square beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद काफी हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अधीर रंजन चौधरी को नसीहत दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा, मैंने ये नहीं सुना है, लेकिन ऐसा बयान गलत है। राष्ट्रपति देश की पहले नागरिक है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक किसी वर्ष 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष होने के वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। गुरुवार को जारी निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा हो। बयान में कहा गया है, अब से मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे। बयान में कहा गया है कि मतदाता सूची 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 2023 के 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वो भी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। पार्डी पुलिस थाना अंतर्गत नागेश्वर नगर में एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई है। एक युवक अजय श्याम सिंह बोपचे की गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि शराब के नशे में उन लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक गंभीर जख्मी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। युवक का इलाज जारी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पार्डी पुलिस स्टेशन अंतर्गत कल रात एक युवक को चाकू से गूंद दिया गया। मामूली कहासुनी ने नशे में धुत आरोपियों ने युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के समय कई लोग परिसर में मौजूद थे, लेकिन उसे बचाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। युवक को बचाने उसकी मां भी सामने आई, लेकिन आरोपी युवक को चाकू मारते रहे। इसी घटना से परिसर में भय का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ये घटना हुई है मेरे बेटे के साथ हुई है। ये मेरा बेटा 26 साल का है, अजय श्याम सिंह बोपचे, वो ट्रक ड्राइवर। ये हमला हुआ, दोस्त की गाड़ी खड़ी थी, दोस्त के साथ बातें हो रही थी, दो दो बातें चल रही थी। तीसरा वाला बाजू वाले घर में खाना खाने के लिए आए थे, दो जन वहाँ खाना खाने। उनने देखे कि इन दोनों की भन चल रही है, तो तीसरे ने फायदा उठाया, मेरे लड़के को बहुत मारे चाकू के घाव घाव। ये 10:30 बजे की घटना है। जब आवाज़ आने लगी मार की, तो मैंने जाके देखी, मेरे बेटे को छुड़ाने में रही, दौड़ो दौड़ो बोली, तो कोई नहीं दौड़े। तो मैं बीच में घुसी तो भी छोड़ने को खाली नहीं, मेरे आँखों के सामने मेरे लड़के को चाकू से मार रहे हैं। ये 10:30 बजे की घटना है। पुलिस, हम जब मेरे लड़का लथपथ खून से हो गया, जब हम उठा के लाए उनके पापा के साथ में, तो घर में पुलिस यानी आजू बाजू को मालूम हो गया। तो वो जो हमारे नगर सेवक हैं वो आए हमारे घर में, उन्हें बोले ये मर्डर का केस है, पुलिस आएगी, जब ही ऑटो में बिठा लेंगे। फिर पुलिस आई, देख हुई, फिर पुलिस वाले ने बोले ऑटो में बिठा लो और मेवा हॉस्पिटल लेके चलो। वो तीन लोग हैं, एक विजय कोसरे है और एक अक्षय और एक बबलू, ऐसे तीन लोग हैं। नहीं, मित्र नहीं थे, मेरा लड़का पहचानता भी नहीं उनको कौन है और कौन नहीं, सिर्फ पहचानता ये जो कोसरे हैं ना, इनको विजय को पहचानता है, बस हो गया। क्योंकि वो पड़ोसी हैं, वो पड़ोस में रहते हैं, ये साइड की बात है हमारी, बोरिंग के सामने वाला घर। मैं सोचती हूँ मेरा लड़का किसी के लेने देने में नहीं है, किसी से झगड़ा तखा नहीं करता, अपने घर में गाड़ी से बराबर आता है। और मेरे लड़के के मारने के इसमें कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ मैं, और उनको कभी जेल से छूटने की सजा यानी कि देना चाहिए, जेल से छूटना नहीं चाहिए वो लोग। अन्न,
अनाज, शिक्षा सामग्री इसके ऊपर लगाए गए जीएसटी कर को लेकर उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी की ओर से बढ़ती महंगाई के विरोध में जन आंदोलन किया गया। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बीजेपी सरकार यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि मोदी सरकार ने जो बोला था कि हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अभी तक 1 लोगों को भी नौकरी दिया नहीं। और उनने मोदी सरकार ने जो खाजगीकरण किया, जो सरकारी नौकरी में जो लोगों को नौकरी मिलती थी वो उसने प्राइवेट सेक्टर में सभी को दे दिया। इसी के वजह से हमारे जो बेरोजगार है, अभी तक 7 साल में मोदी सरकार ने जो सरकार चला रही उसी ने अभी तक एक लड़के को भी उसने सर्विस नौकरी नहीं दिया। और ये कोरोना काल में अभी तक हमारे जो बेरोजगार है, अभी तक 20 लाख लोगों के बेरोजगारी कोरोना के वजह से उन्होंने बेरोजगार निकाल लिए। और जितने भी जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसी ने पूरा प्राइवेट अंबानी यानी अंदानी को दे दिया। देश का सबसे ज़्यादा रईस अदानी और अंबानी को बना दिया। और हमारे जो गरीब लोग हैं वो गरीब के गरीब ही बन रहे। और ये 2 लोगों के हाथ में सरकार देने के बाद पूरे 2 लोगों ने पूरा सरकार बन गई और उन्हीं को पूरा देश देने हाथ में दे दिया और हमारे गरीब लोगों को हाथ में कटोरा दे दिया। ऐसे मोदी सरकार ने हमारे देश को एकदम बर्बाद किया। ये देश अभी उनका माफ करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में उनको सही में यहाँ से पूरे इंडिया से भारत से सब लोग आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में केजरीवाल के सरकार के नेतृत्व में उनको यहाँ से दिल्ली से गुजरात जाना ही पड़ेगा, ऐसा हमारा ये वादा है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा कि इन्होंने जो एजुकेशन है, जो शैक्षणिक साहित्य है, उनके ऊपर GST लगा दिए और उस वजह से ये जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है वो बच्चों को महंगाई की वजह से वो स्टेशनरी नहीं खरीद पाएंगे, उस पर इन्होंने GST लगा दी है। इस तरह महंगाई की वजह से यानी मोदी सरकार को ये बच्चों को, गरीब बच्चों को ये पढ़ाई से दूर करना है, बड़े लोगों को एजुकेशन देना है, छोटे लोगों को एजुकेशन देना नहीं है। और इस जो महंगाई का जो विरोध करने के लिए और ये सरकार का, मोदी सरकार का निषेध करने के लिए हम यहाँ सब लोग इंदौरा चौक पर इकट्ठा हुए हैं। हम इनका, मोदी सरकार का यहाँ निषेध करते हैं। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।